हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं पंचकुला में अब तक 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है और इस मामले को लेकर हरियाणा पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने कहा है कि अब तक जितनी भी मुर्गियों की मौत हुई उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियातन तौर पर सैंपल जालंधर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि मुर्गियों की मौत किन कारणों से हुई है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी ने कहा कि एहतियात के तौर पर हमने पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी कर दी है। अभी हमने सैंपलिंग कर ली है और हमने जलंधर, हमने जोहार डीडीएल लैब उन पे भेज दिया सैंपल्स, और आज भी वहाँ पे टीम आई हुई है जो कि पोल्ट्री के पंचकुला के अंदर जो पोल्ट्री के सैंपल से लिए जा रहे हैं। जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं आती किसी प्रकार पे निश्चय पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो उसके बाद ही बता पाएंगे किस बीमारी की वजह से ये डेथ हो रही है। कितनी संख्या होगी जो डेथ हुई है पक्षियों की, कितने पक्षी होंगे अंदाजन अगर कुछ रफ फिगर बता सके? जो लगभग अंदाजा जो रिपोर्ट आई है फील्ड से हमारे पास, अभी तक 4,30,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। बर्ड फ्लू के बारे में केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि हिमाचल के साथ साथ हरियाणा में भी पुष्टि हो गई, तो इसके बारे में जरा बता दें। नहीं, हरियाणा के अंदर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। हरियाणा के अंदर पूरे स्टेट के अंदर एडवाइजरी हमें टाइम के अनुसार हम जारी करते रहते हैं और पूरा ध्यान रखा जाता है, और सीरो सर्वेलेंस भी हमारी रेगुलर से चलती रहती है थ्रू आउट द ईयर।